हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको इंडिया लोकेशन के सेकेंड पार्ट में यूआर वेलकम। हम लोग इसमें इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, बॉर्डर्स में हमारे क्या है। सबसे पहले वील टॉक अबाउट द सदर्न बॉर्डर। सदर्न बॉर्डर क्यों? क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल, देयर इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ईस्टर्न साइड पे आपका हो गया बे ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न साइड में आपका अरेबियन सी हो गया। इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, 6100 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। इंडियन ओशन में किसी भी कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है। तो वी आर एंजॉइंग अ वेरी मैग्निफिशेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन। ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ है, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है 6100 की किलोमीटर्स की, तो ये हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, मैं बात करती हूँ, दे आर सेवरल आइलैंड्स ओवर हियर, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार एंड द पंबन आइलैंड्स आर द मेन, जो मेन जिनका रेफरेंस दे रही हूँ। वेस्टर्न बॉर्डर के, इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर वी हैव पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान इज प्लेइंग, कुछ ना कुछ गतिविधियां करता रहता है, आतंकवादी गतिविधियां होती रहती है। तो दिस बॉर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्दर्न टॉप ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न टॉप ऑफ इंडिया में वी हैव फोर कंट्रीज, इंडिया तो है ही है, एज वेल एज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। ऑफ कोर्स द ड्रैगन चाइना, जिसने अभी अटैक किया था हमारे सोल्जर्स के ऊपर, वहां पे घायल कर दिया था, घुस के अंदर काम आए थे। तो ये दिस पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वीक को हिमालयस आर रिगार्डेड एज आवर नेचुरल सेंटिमेंट्स, मतलब हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए, पर फिर भी चाइना इंट्रूड कर रहा है हिमालयस, कितने भी हमारे प्रोटेक्शन के लिए है नॉर्दर्न पॉइंट पे, पर फिर भी चाइना जो ड्रैगन है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो घुसपैठ करता है, इंट्रूड करता रहता है इंडिया के बॉर्डर्स। हिंदू कुश, मुस्तांग, कुल्लन एंड अग्रेल ईस्ट, दीज आर द स्नो माउंटेन लेडन रेंजेस इन द हिमालयाज, जो कि हमारे हिमालयाज में सिचुएटेड, हिमालयाज आर द गार्जियंस, हमारे नॉर्दर्न फ्रंटियर के गार्जियंस है। नेपाल एंड भूटान, दीज आर द टू कंट्रीज जो हमारे हिमालय माउंटेन रेंजेस के बीच में सिचुएटेड है। वी हैव फ्रेंडली रिलेशंस, पर फिर भी नेपाल ने अभी क्या किया है, नेपाल ने इंडिया के कुछ एरियाज को अपने एरियाज में डिक्लेयर करके मैप पार्लियामेंट में पास करा दिया। दैट इज प्रॉब्लम, क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। आई थिंक इट इज चाइना की कुछ चाल है, बिकॉज चाइना को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। COVID-19 में हमने इसके ऊपर काफी रोक लगा दी है, हमने ट्रेड रोक दिया इसके ऐप सारे, तो समथिंग मैं को तो ऐसा लगता है समथिंग इज रिलेटेड विद दैट, जो परेशानी कर रहा है चाइना को। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ भूटान देयर इज द मैकमोहन लाइन विच इज द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना। यहां पे बड़ा डिस्प्यूट हो रहा है, चाइना स्नो क्लैड इन माउंटेन पीक्स को क्रॉस करके, हिमालयस की जो स्नो क्लाडन पीक्स है उनको क्रॉस करके इंडिया के टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहा है, पर ड्रैगन की ये सब चाले कामयाब नहीं होंगी। ठीक है, द बॉर्डर ऑफ थ्री कंट्रीज इंडिया, चाइना एंड म्यांमार मीट इन द डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पे तीनों कंट्रीज, कौन कौन सी, इंडिया, चाइना एंड म्यांमार मीट एट द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया।
सब ब्रांचेस ऑफ हिमालयाज कौन कौन सी है, मिश्मी, पटकोई, नागा एंड मिजो हिल्स, ये नॉर्थ ईस्टर्न हमारी इंडिया के ये हिल्स है विद सेपरेट ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया और म्यांमार। बॉर्डर है किसका, इंडिया और म्यांमार, म्यांमार मतलब बर्मा, बर्मा और इंडिया में ये जो चार हिल्स हैं कौन कौन से, मिश्मी, पटकोई, नागा एंड मिजो हिल्स फॉर्म द बॉर्डर। ठीक है, नाउ ये जो मिश्मी, पटकोई, ये नागा हिल्स है, ये चारों हिल्स से इसी का कंटिन्यूएशन फॉर्म आपको अराकोमन योमा, बर्मा में या म्यांमार में इसका अराकोम योमा है और फिर दे सबमर्ज इनटू वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल, सबमर्ज इनटू द वाटर और फिर री इमर्जेंस होता है कहां, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। फिर से दैट मींस द हिमालयाज का ये कंटिन्यूड फॉर्म है, हिमालयाज का कंटिन्यूड फॉर्म है मिश्मी, पटकोई, नागा एंड मिजो हिल्स और फिर ये अराकोम योमा के नाम से दे आर फाउंड इन द म्यांमार, ये समर्ज हो जाती है, अराकोम योमा जो म्यांमार में है ये समर्ज हो जाती है, उसके बाद रीएमर्ज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है हमारी नॉर्दर्न और ईस्टर्न बॉर्डर में वो दैट हैज इंक्रीज डे बाय डे। इन द ईस्ट बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर्स हैं, ईस्ट में म्यांमार से तो है ही है, बांग्लादेश में हमारे असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, इनसे बॉर्डर्स हमारे बन रहे हैं किसके, बांग्लादेश के। ईस्टर्न बॉर्डर तो नॉर्दर्न, वेस्टर्न बॉर्डर में पाकिस्तान हो गया, नॉर्दर्न बॉर्डर में हमारे कौन कौन सी कंट्रीज हो गई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड चाइना, ऊपर की तरफ हो गई नेपाल एंड भूटान जो माउंटेनस हिमालयाज माउंटेन्स के बीच में है, उसके बाद मैकमोहन लाइन से इंडिया एंड चाइना सेपरेट हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिजो, मिजो, नागा, पटकोई और मिश्मी हिल से ये क्या हो रहा है, ये बॉर्डर सेपरेट कर रहा है म्यांमार, इंडिया और म्यांमार से। ठीक है, और फिर हम लोग बात करते हैं असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश से सेपरेशन हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको मैप के थ्रू और समझा देती हूं, देखिए ये वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान हो गया, इंडिया के ये चार स्टेट्स हो गए, इसके साथ ये पाकिस्तान हो गया, नॉर्दर्न फ्रंटियर पे हमारा पाकिस्तान तो है ही है और अफगानिस्तान एंड चाइना यहां पे हो गया, भूटान एंड नेपाल ये हमारी दो माउंटेनस कंट्रीज, हिमालयस में जो माउंटेनस कंट्रीज हो गई वो दो है एंड इसके बाद हमारी ये मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, इसमें बहुत डिस्प्यूट होता रहता है, यहाँ पे मिश्मी, पटकोई, नागा एंड मिजो हिल्स हो गए जो कि हिमालयस का कंटिन्यूड फॉर्म है विच इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अराकोम योमा है जो हिमालयस का ही पार्ट है। ठीक है, ये सबमर्ज हो जाते हैं वाटर्स में और फिर दे री इमर्ज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पे आपका हो गया मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, इनसे हमारे बांग्लादेश के बॉर्डर्स है, दैट मीन्स फाइव स्टेट से ये चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले। ऑन द ईस्टर्न साइड फाइव इंडियन स्टेट्स हैव बॉर्डर्स विद बांग्लादेश, दैट इज मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड वेस्ट बंगाल हैव बॉर्डर्स विद बांग्लादेश। ऑन द वेस्ट इंडिया हैज बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, फोर स्टेट्स है, नेमली राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्से इलीगली आर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान ने जबरदस्ती उसको कब्जा कर रखा है एंड दिस इज द फाइट विच इंडिया एंड पाकिस्तान हमेशा होती रहती है। तो नाउ वी टॉक अबाउट द सिचुएशन ऑफ इंडिया और द सब कॉन्टिनेंटल सिचुएशन विच इंडिया एंजॉयज। इंडिया का थ्री पेनिनसुला हज है, साउथ एशिया में तीन पेनिनसुला रीजन्स है,
एंड इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुलास इन द वर्ल्ड। साउथ एशिया में सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला है। चाइना, नेपाल एंड भूटान इसके नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे हो गए। बांग्लादेश एंड म्यांमार एंड वेस्ट बंगाल इसके ईस्टर्न साइड पे हो गए। पाकिस्तान एंड अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड। इंडियन ओशन एंड श्रीलंका इज ऑन द साउदर्न टिप। इंडिया हैज बीन नेम्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट। इसके बाद मैं पहले आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू और दिखा देती हूँ। थ्री पेनिनसुलाज इन साउथ एशिया में है। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट पेनिनसुला इन साउथ एशिया। उसमें अभी मैंने बताया था वेस्टर्न बॉर्डर में हमारा कौन हो गया, पाकिस्तान हो गया एंड अरेबियन सी। नॉर्थ में हमारा हो गया कौन कौन हो गया, नॉर्थ में आपका अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ इंडिया में हो गया। ईस्टर्न साइड में वी हैव म्यांमार, बांग्लादेश एंड अरेबियन सी। साउथ में हमारा श्रीलंका एंड द इंडियन ओशन। दिस इज द स्ट्रैटेजिक पोजिशन। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले। इंडिया हैज बीन नेम्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स मैसिव हिमालयाज इन द नॉर्थ। माउंटेन रेंजेस, मैसिव हिमालयन माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ, डेजर्ट्स इन द वेस्ट, माउंटेन रेंजेस लैडन विद डेंस फॉरेस्ट इन द ईस्ट, लार्ज वाटर बॉडीज इन द साउथ। दैट इज वाई इंडिया हैज बीन नेम्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट। नेचुरल और कल्चरल वेरिएशंस आर फाउंड इन इंडिया। Highest mountain peaks, massive level of plains, newly folded mountains, ancient plateaus, deserts है, forest है, world's most arid as well as humid regions है, झूमिंग cultivation है, developed cultivation है, agriculture, bullocks, carts and modern means of transport are also used in India. Variations in languages है, dressing styles में variations है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में वेरिएशन है, एज वेल एज दीज आर द एग्जाम्पल लैंग्वेजेस में वेरिएशन। ऑल दीज विथ ऑल दीज वेरिएशन फिर भी इंडिया स्टैंड यूनाइटेड। इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। बट आफ्टर ऑल दीज वेरिएशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपियर्स टू बी इन अ फॉर्म, यूनिक फॉर्म है, इसका अपना यूनिक फॉर्म है। दैट इज वाई इट इज टाइड इन द थ्रेड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है, वाई इज इंडिया, हाउ इज इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, डिस्क्राइब इन डिटेल। तो ये आपको सारे वेरिएशन बताने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। माउंटेन रेंजेस है नॉर्थ में, माउंटेन रेंजेस हो गया, ईस्ट में आपके हिमालयाज हो गए, वर्जिन फॉरेस्ट हो गया, साउथ में आपका वाटर बॉडीज एंड इन स्पाइट ऑफ लैंग्वेजेस में डिफरेंस है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में इतना वेरिएशन है, लैंग्वेज है, ड्रेसिंग स्टाइल में वेरिएशन है, माउंटेन रेंजेस में है, प्लेन्स में है, डेजर्ट में। ये सारे रीजंस आपको एग्जांपल्स आपको बताने पड़ेंगे व्हाई देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हेंस इंडिया एंजॉयज अ सब कॉन्टिनेंटल पोजिशन। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लें। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पोजिशन इन कॉन्टेक्स्ट टू द वर्ल्ड। इंडिया इज इन द मिडल ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ड्यू टू दिस लोकेशन इंडिया कॉन्फ्लुएंस में है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए स्वेज रूट, अटलांटिक ओशन रूट, केप ऑफ गुड होप एंड द पैसिफिक ओशन रूट में सेंट्रल पोजिशन है। दैट इज वाई द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री हैज इंक्रीज। नॉट ओनली द सी पोर्ट्स बट ऑल्सो द एयरपोर्ट्स आर ऑल्सो ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। इसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता एंजॉय अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। ड्यू टू इट्स लोकेशन इंडिया इज एंजॉइंग अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। इंडिया ज्योग्राफिकल लोकेशन इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर के सेंट्रल पोजिशन में, दैट इज वाई इंडिया इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द इंडियन ओशन। जितने भी ट्रेड रूट है सबके कॉन्फ्लुएंस में है, केप ऑफ गुड होप, एटलांटिक ओशन रूट, स्विस कैनाल एंड द पैसिफिक ओशन रूट,
तो देयरफॉर ऑल द ट्रेड, ऑल द इम्पोर्ट्स एंड द एक्सपोर्ट्स यहीं से होता है. इम्पोर्टेंट, दैट इज वाई इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंस है. मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले. इंडिया एंजॉयज अ डबल लोकेशन, दैट मीन्स टेम्परेट जोन में इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया इज इन द टेम्परेट जोन एंड सदर्न इंडिया में ट्रॉपिकल जोन में. दैट इज वाई द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, दोनों तरह की एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होती है. Due to its position, the ports are operational throughout the year. मतलब पूरे ईयर यहाँ पे काम होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है. नेबरिंग कंट्रीज हमारी नेपाल, भूटान, आपकी बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारी कंट्रीज क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है. और दे ऑफर अ वेरी गुड मार्केट फॉर द इंडियन प्रोडक्ट्स. Therefore, India enjoys a very strategic position. Himalayas in the north act as a barrier, and ये जो cold waves को पार हो India के पास नहीं आने देती है, and prevent the southwest monsoon winds, जो moisture laden winds है, to cross the Himalayas. So most of the rainfall India में ही होती है. Therefore, India Himalayas जो है हमारे एक barrier की तरह काम आते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडिया, ओशन नियर बाय है एंड इंडियन एंड इंडिया के नाम पे ही ये ओशन है. देयरफॉर आई थिंक इंडिया हैज अ यूनिक पोजिशन. नेम हमारे नाम पे हो गया यहाँ पे इंडियन ओशन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट. इंडिया एंजॉयज द पोजिशन ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट. मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लो.